आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय सारदा करियर पॉइंट रतनलाल प्लॉट अकोला। अकोला शहर सहित जिले में रविवार सोमवार को आसमान से बारिश नहीं बल्कि आफत बरसी, जिसने कुछ ही घंटों में जिले में कहर बरपा दिया। कई नदी नालों में आए बाढ़ का पानी कच्चे मकानों के अलावा बुआई वाले खेतों तक पहुँचने से मकान ढह गए, वहीं बुआई भी बुरी तरह चौपट हो गयी। अकोला जिले के ग्राम मोरगांव भाकरे निवासी शहीद जवान प्रवीण जंजाल को कश्मीर के कुलगाम जिले के चिन्नी गांव इलाके में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान वीरगति प्राप्त हुई थी। सोमवार को मोरगांव भाकरे में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना और पुलिस के जवानों ने हवा में गोलियां दागकर सलामी देते हुए शहीद प्रवीण जंजाल को अंतिम विदाई दी। चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक बच्चों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। पश्चिम विदर्भ के अकोला में पहले से ही सरकारी मेडिकल कॉलेज है। अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग की ओर से बुलढाणा और वाशिम जिले में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी प्रदान की गई है। पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने जिले में भले ही हाहाकार मचाया है, लेकिन इस बीच एक राहत देने वाली खबर यह आई है कि महान परिसर स्थित काटेपूर्णा बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हुई 32 मिलीमीटर बारिश के चलते बांध के जलस्तर में 22 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। बांध का जलस्तर 17.2% पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री वयोशी योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक साधन या उपकरण खरीदने और जागरूकता प्रशिक्षण के लिए ₹3,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। यह उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए आवेदन करें, यह अपील सहायक समाज कल्याण आयुक्त मंगला मून ने की है। जिला पुलिस मुख्यालय में 8 जुलाई सोमवार को पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए 1154 महिला उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। लगातार बारिश होने के कारण सोमवार की यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर इसे आगामी 11 जुलाई को रखा गया है। संबंधित महिला उम्मीदवारों को इस संदर्भ में सूचित किया गया है। डिपो क्रमांक 2 पर आने वाले बसों के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते लंबी दूरी के क्षेत्र का परिसर उखाड़ कर नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते बसों के आवागमन के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार बचा हुआ है। इसी द्वार से बसों का आगमन तथा निकासी हो रही है। गंगानगर शहर क्षेत्र के नागरिकों के घरों में बारिश का पानी नालियों से होकर आने की वजह से गुस्सा ये नागरिकों ने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 के किराना मार्केट के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान नागरिकों ने महापालिका पर आक्रोश व्यक्त किया। कई समय तक इस मार्ग का यातायात ठप रहा। रेल प्रशासन ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान उपनगरीय सहित मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के लिए की सुविधा के लिए अलार्म चेन पुलिंग का विकल्प उपलब्ध कराया है, लेकिन कुछ यात्री इस सेवा का अनावश्यक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें मध्य रेल प्रशासन ने रडार पर लेते हुए उनके खिलाफ फौजदारी सहित दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और उससे पहले चारों जोन में करीब 195 धोखादायक मकानों और इमारतों के मालिकों को अकोला नगर निगम की ओर से नोटिस जारी की गई है। इसमें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त इमारत पश्चिम जोन में है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।